हेलो एवरीवन। तो यार मेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑल इंडिया कोटे ने शेड्यूल रिलीज कर दिया है। अब बहुत ही जल्द डबल ए ट्रिपल सी का भी आ जाएगा, आयुष काउंसलिंग का भी आ जाएगा और हम यूपी से हैं तो यूपी एमबीबीएस का भी आ ही जाएगा। जैसे कि सर आपने बताया ना कि मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये लोग सारा रिलीज कर देंगे। हाँ यार रिलीज तो कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाकी सब ने भी रिलीज कर दिया है तो हम मान के चलते इस बार चीज़ें जल्दी से होंगी, है ना। सबसे पहली चीज़ MBBS BDS की। अब यूपी मेडिकल काउंसलिंग मैंने इसको इसलिए ले रखा हुआ है क्योंकि MBBS एक तो BDS की काउंसलिंग है, दूसरी काउंसलिंग आयुष वाली भी है क्योंकि हमारे चैनल पर आयुष वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो भाई आयुष यूपी एस्पिरेंट हैं जो भी, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी सेंट्रल का। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, MBBS की हो या आपकी BMS आयुष वाली काउंसलिंग हो, दोनों के लिए सेम रूल है। डोमिसाइल नहीं रिक्वायर्ड होता है बट सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी बन पाएगी और आपका तभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो पाएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जैसे आप स्टेट की काउंसलिंग में अपीयर करोगे, है ना, यूपी स्टेट की अगर हम सिर्फ बात करें स्पेसिफिक, उसमें क्या है कि अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट देखोगे, है ना, तो वो आपका EWS का हो सकता है, OBC का हो सकता है, SC का हो सकता है, ST का हो सकता है। तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1 अप्रैल 2023 के लेटेस्ट चाहिए। मतलब अगर पुराना है ना, मार्च वाला, फरवरी वाला, जनवरी वाला, वो सब वैलिड नहीं होगा। फॉर्म भरते समय सर दूसरा लगाया था तो क्या आप दूसरा लगा देंगे तो सर कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं यार गड़बड़ नहीं होगा, आप यूज कर सकते हो। ये तो एक मैसेज हो गया जो आप इसको अगर आपने अभी तक रेडी नहीं कराया तो आप रेडी करा सकते हैं। सब कैटेगरी के लिए अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, मतलब आपके दादाजी रहे हैं या कोई भी फैमिली में था पहले, एक्स सर्विस मैन है, एक NCC का कोटा है, PWD है, PWD के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है पहले ऑलरेडी, MCC की वेबसाइट पर यूपी ने भी अपडेट किया हुआ था, तो आप उस अकॉर्डिंग जो भी उनके सिलेक्टिव सेंटर्स है वो वहाँ पर जाकर उसको अपना सर्टिफिकेट को अप्रूव करके बनवा सकते हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी नीट के ब्रोशर पे दे रखा था, अगर अदरवाइज आपके पास नहीं तो हमारी टीम से भी कनेक्ट करके ले सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स अभी आपके पास नहीं होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ PWD का होगा। रिमेनिंग जैसे ही यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके ब्रोशर में ये सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अदरवाइज प्रीवियस ईयर का होगा तो वहाँ पर 23 लिखा होगा तो उसको थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट सेम फॉर्मेट रहेगा, और अगर उसमें ईयर पड़ा है तो उसको अपडेट कर लेना। तो अगर आपका कोई भी सब कैटेगरी है तो आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है फ्रीडम फाइटर में और NCC में, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलग से दिला सकते हैं, आपके दादाजी का और मतलब बाबा जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन के तौर पर। और अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं, है ना, और आपने 11th 12th कर रखी है तो आपका यूपी का जनरल का डोमिसाइल एलिजिबिलिटी बन जाती है। अगर आप यूपी से हैं और आपने बाहर एजुकेशन ली है तो उस केस में डोमिसाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डोमिसाइल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। विदाउट डोमिसाइल आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं और एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए यार। ये तो डोमिसाइल की बात हो गई। कैटेगरी में दो बातें और हैं, एक पहली बात कि जो मैंने बताया कि 11th 12th अगर आपने बाहर से कर रखा है, है ना, दूसरा ये था कि भाई अगर आपने यूपी से हो और आपने कहीं 11th 12th कहीं आप बाहर रह रहे हो पिछले 10-12 सालों से लेकिन आपका घर यूपी में है तो आप डोमिसाइल लगा के एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन और हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था और उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपने को जनरल मेंशन कर रखा है लेकिन सर उस टाइम पे EWS का हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, हम OBC हैं, हमारे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने गलती से जनरल भर दिया। तो यार आप अपने स्टेट के लिए आप क्लेम कर सकते रिजर्वेशन। उसका तरीका यह कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट का होना चाहिए और आप जब फॉर्म भरें स्टेट का तो वहाँ पर आप अपना जो एक्चुअल जो कैटेगरी है, आप OBC हैं तो OBC फिल करके फॉर्म फिल करें और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आप OBC के आपको रिजर्वेशन क्लेम मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जनरल में डाल देगा, कोई लॉस नहीं होगा, कोई मतलब इलीगल टाइप एक्टिविटी नहीं होगी, दिस इज अ प्रोसेस कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं, यही तरीका होता है। ये स्टेट काउंसलिंग का हो गया। ये जो पॉइंट था ना, ये मतलब एक कंडीशन में थोड़ा सा जैसे ऐसा हो जाता है, जैसे आपने एक तो आप सेंट्रल पे जैसे जनरल हो, है ना, जनरल कैटेगरी में आते हो आप सेंट्रल में, और जैसे कुछ ऐसा है कि स्टेट में आप जैसे जाओगे तो आप OBC हो जाते हो तो आपको डर ये रहता है कि हम इसको क्लेम कैसे करेंगे। तो अगर आप OBC आप स्टेट में आते हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप को इंस्टॉल करो। कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट करके बताओ।